हेलो दोस्त, नमस्कार। मैं अमरनाथ कुशवाहा और आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। अगर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर दीजिए। यदि इन पांच सवालों का जवाब हाँ है तो आप भी करोड़पति बन सकते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी को बताऊंगा कि वह कौन सी पांच ऐसी आदत है जो आपके अंदर में है तो आप जिस भी फील्ड में उसमें एक बहुत बड़ी सफलता हासिल करने वाले हैं। चलिए बात करते हैं। सबसे पहली, क्या आप छोटी छोटी बातों में मोटिवेट हो जाते हैं? छोटी छोटी बातों पर क्या आप मोटिवेट हो जाते हैं? आपका जवाब क्या होगा, आप अपने से सोचिएगा, फिलहाल मैं बात करता हूँ। अगर आप छोटी छोटी बातों पर मोटिवेट हो जाते हैं, इसका मतलब यह है कि आपका जो बिलीव सिस्टम है वह पॉजिटिव है। अगर आप छोटी छोटी बातों पर मोटिवेट रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि आप अंदर से भी हमेशा पॉजिटिव रहते हैं। आपको अपने ऊपर यह विश्वास होता है कि आप एक बहुत बड़ी सफलता हासिल करेंगे। ओके, दूसरा, क्या आप अपनी टीम के लिए सपने देखते हैं? जो एक अच्छे लीडर होते हैं वो हमेशा अपनी टीम के लोगों के लिए सपने देखते हैं। उदाहरण के तौर पर आप सोचिए कि मेरी इनकम 1,00,000 रुपये हो जाए। दूसरा, दोबारा से सोचिए कि मेरी टीम में जितने भी लोग हैं उसमें से कम 50% लोगों की इनकम महीने का 1,00,000 हो जाए। अब जब आप अपने टीम के लोगों के लिए सपने देखेंगे तो 100 लोगों को करोड़पति बनाने का टारगेट लेंगे तो डेफिनेटली आपको 1,00,000,000 रुपये इनकम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी चिंता करने की। ओके, अब आप अपने आप से यह सवाल कीजिए कि क्या यह गुण आपके अंदर है या नहीं है, टीम के लिए सपने देखने वाला गुण आपके अंदर है कि नहीं है। ओके, अगर आपके अंदर ऐसी आदत नहीं है तो उस आदत को डेवलप करिए अपने अंदर में, क्योंकि यह वही आदत है जो आपको करोड़पति बनाएगी। तीसरा, क्या आपके सामने वाले व्यक्ति को मोटिवेट कर पाते हैं? आपके सामने जो भी होता है क्या उसको आप मोटिवेट कर पाते हैं? आपका क्या जवाब होगा वो आप अपने से सोच लीजिएगा, फिलहाल मैं बात करता हूँ। अगर आप किसी भी व्यक्ति के सपनों को जगा पाते हैं, उसको अंदर से मोटिवेट कर पाते हैं, उसके अंदर एक ऐसा विश्वास पैदा कर सकते हैं कि वह आपके साथ काम करते हैं तो वह अपने हर सपने को पूरा कर सकते हैं, इसको एक गुण भी बोल सकते हैं। यह एक ऐसी गुण है जो आपको आपके बिजनेस में बहुत बड़ी सफलता दिला सकता है, लेकिन इसके लिए आपको अपने सपने भी जगाने पड़ेंगे। आपको अपने अंदर विश्वास रखना होगा कि आप जिस फील्ड में हैं उस फील्ड में कामयाब हो जाएंगे। ओके, चौथा, आपका फोकस पैसे कमाने पर है या सीखने पर है? आप हर रोज़ रात में जब आप सोने जाते हैं तो क्या सोचते हैं? क्या आप यह सोचते हैं कि आज मैंने कितना कमाया, या फिर आप यह सोचते हैं कि आज मैंने कितना सीखा? अगर आपका फोकस हर रोज़ नई नई चीज़ों को सीखने पर है तो आप यह समझ लीजिए कि दुनिया आपको फॉलो करेगी। अगर आपका फोकस सेल्फ डेवलपमेंट पर चला गया तो आप यह समझ लीजिए कि आप अपने लेवल को ऊपर बढ़ाते चले जाएंगे, और एक दिन आप उस लेवल पर पहुंच जाएंगे जिस लेवल पर पहुंचने के बाद पूरी दुनिया आपको फॉलो करने लगेगी। और जब आपको लोग फॉलो करने लगेंगे तो आप दुनिया के किसी भी कोने में अपना बहुत ही अच्छा टीम बना सकते हैं और आप अपने बिजनेस में एक बहुत बड़ी सफलता हासिल कर पाएंगे। यहाँ पे मैं आप सभी को ये बताना चाहूँगा कि आपका मोटिवेशन आपके सपनों से नहीं होना चाहिए, बल्कि आपका मोटिवेशन आपके विश्वास से होना चाहिए। ओके, पाँचवा और आखिरी, क्या आपका कोई मेंटर है? अगर आपको कोई मेंटर नहीं है, जब आप कोई गलती करेंगे तो आप वहां से भटक जाएंगे, आपको सही राह दिखाने वाला कोई नहीं होगा। आपकी ज़िंदगी में आपके साथ एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसकी नज़र आपके ऊपर हो। जब भी आप कुछ गलती कीजिए तो वह आपको कुछ बताए, उसके बारे में अच्छे से समझाए। अगर आपका कोई मेंटर है तो आप उससे जाकर मिलिए और उसको यह बताइए कि आप मेरे मेंटर हैं, मैं आपके जैसा बनना चाहता हूँ, मैं आपको फॉलो करता हूँ, मैं आप अपने इस टारगेट तक पहुंचना चाहता हूं। जब आप उसे बताएंगे तो उनको भी एक आइडिया लग जाएगा कि आप किस टारगेट का पीछा कर रहे हैं, जिससे वह उसके ऊपर अपना नज़र बनाए रखेंगे। आप जिस भी फील्ड में हैं उस फील्ड में आपको कोई ना कोई मेंटर नहीं है तो आपका इसका बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट आपको देखने को पड़ सकता है। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर आपका कोई मेंटर नहीं है तो आप को भी कोई मेंटर नहीं मानेगा। सीरियसली, अगर आप किसी एक व्यक्ति को अपना मेंटर बना लेते हैं तो पूरी दुनिया को फॉलो करने लगेगी।
इसके अलावा बात किया जाए तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेंटर मानने लगेंगे। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में हैं तो एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आप 20 साल की उपलब्धि 2 साल में पूरा कर सकते हैं। आपको 20 साल मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मात्र 2 साल ही करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो जब आपको 20 साल का मेहनत सिर्फ 2 साल में करनी पड़ेगी तो आपसे गलतियां भी ज़्यादा होगी। तो उन सारी गलतियों से बचने के लिए, सही गलत का फ़र्क समझाने के लिए आपके पास एक अच्छा मेंटर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे दोस्तों। आज का यह वीडियो मेरा कैसा लगा आप लोग ज़रूर लाइक कर दीजिएगा लगा होगा तो। और इस तरीके के और भी इंस्पिरेशनल और नॉलेज भरी वीडियोज़ के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करके और बेल आइकन हिट कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।